रेडी? आप रेडी हो गई? आओ भी चले, इसको बता दो फिर मैं इसको। अब आज आप रोना नहीं, मैं आप ही को स्कूल छोड़ के आती हूँ, ठीक है? आप कार्टून देखो, मैं भी आती हूँ, ओके? चलो आओ, फिर आओ के आ जाओ। तस्वीर में आज ईद की पार्टी है, अब्बा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा, तुमसे तुमने जाना चले जाओ, क्योंकि ना तसीब की जो थी ना वो 11:30 से 12 थी और अरमिश की 9 से 11:30। तो कहते मैं अब कुछ कह रहे हैं कि जाके ना स्कूल के बाहर ही बैठ जाना और वापसी बातें ले कर आना। बताओ मैं 11:30 बजे तक स्कूल के बाहर ही बैठी रहूँ क्या यार? मैं नहीं आऊँगी बाहर से छोड़ के आपको, तो उनके हवाले करके ना लेने के फिर आ जाऊँगी, ठीक है? ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आज फंक्शन के लिए आप सुबह 7 बजे से उठ के बैठी हो, है? पता नहीं कैसे आँख खुल गई है। वो भी बगैर अलार्म के। अब स्कूल अच्छे से क्लास में जाती हूँ। मैंने बता रहा था ये किया है। अगर आज मुझे तो ऐसे स्कूल के लिए उठ जाया करो ना, क्योंकि आपको फंक्शन में जाने का शौक है, स्कूल में जाने का कोई नहीं शौक आपको। सब बच्चों को छोड़ा स्कूल, बिलास अभाज साहब रो रहे, मैंने भी जाना था। मैंने बोला आपका फंक्शन नहीं था, उन दोनों का फंक्शन था, सो इसलिए अभाज भी ज्यादा रोता हुआ मेरे वापस आ गया। अब मैं सो चीज लेकर दूंगी। आपने और क्या कहा था? ये चिली कौन खाता है? बिलास अभाज खाता है। मैं जी सारी चीजें आ गई आपकी, अब चलें घर ना? पूरी गाड़ी छेड़ दिया अभाज ने, फ्रंट मिरर बंद कर दिए इसके, क्यों करते हो ऐसे? इवन मैं चाबी लेके गई हूँ साथ, फिर भी बटन दबा दबा के ना सारा कुछ हिलाया हुआ। चलें घर चलते हैं, चीज ले दी इसको मैंने, बच्चा राजी हो गया, अब घर चलते हैं। जाए खा लो जीजी, जाओ। पूरे 9:30 बजे बजे बच्चों को स्कूल छोड़ा है, पूरे फिक्स 9:30 बजे। हाँ जी, अब जाओ, पर मैं आ रही, मैंने आटा गूंदना है अभी। लाइनर लगाया, बज गए हैं 12:30 और हम जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, और मेरा लाइनर क्यों फैला हुआ है सारा। और अभी हमने जाना है मार्केट, वहाँ से मैंने डबल डोर फ्रिज देखना है, पर्दे देखने हैं। हम 2-3 दिन से प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का। आपने क्या लिया अरमिश? फेस पे दिखाना क्या बनवाया? बंद करो ना फेस पे दिखाना। आपने मेरी दिल लगवाई है? नहीं नहीं नहीं। आपने लगवाई से दिखाओ कैसे लगी है, किससे लगाई? हम लोगों ने ना नेट से चेक किया था कि कौन सा फ्रिज लेना है, तो हमें ना हायर का ये वाला एक मॉडल है, बिल्कुल लेटेस्ट आया, तो हमें ये काफ़ी पसंद आया था। और ये एक ही शॉप पे था पूरे मरी रोड पे ना, प्राइस की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अच्छा था। मतलब एक तो नो फ्रॉस्ट था, मुझे नो फ्रॉस्ट ही लेना था, बट अब मेरा इरादा बदल गया है। तो ये जिनके पास पड़ा हुआ था ना, ये सिर्फ डिस्प्ले पर पड़ा हुआ था, फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे ना PWD में वेयर हाउस है, आप वहाँ से ले लें। हम आपको पता है बहरिया में रहते हैं, लेकिन हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहरिया से नहीं लेते, मरी रोड से लेते, क्योंकि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है बहरिया के रेट में और मरी रोड से लो आप वहाँ से। तो हमने एक ही स्पेसिफिक शॉप रखी हुई है, तो हमने AC और LED पहले ले ली थी। AC इंस्टॉल हो गया, लेकिन उसका रिमोट नहीं निकला, और इतने दिन हो गए अभी 4-5 दिन अभी तक हमारा रिमोट नहीं आया। फिर हमने 20 लेन से फ्रिज लेने का जो इरादा है वो तर्क कर दिया है कि पहले वो मसला हल हो, फिर आगे देखते हैं तो क्या करना है। वो वाला देखो ना वो ये आप लगवाए 10 फुट है, ये छोटा भी है, ये तो छोटा सा तो प्यारा लग रहा है ना। दो डिजाइन देख ले, तकरीबन 8 फुट बाई 10। अच्छा, ये कलर दोनों का सेम ही है? हाँ कलर सेम है ना दोनों पिक्चर। हाँ, में इसका छोटा वाला जो हाइट है ना सर जी 5 फीट है, 7 होती है नीचे, 7 फुट चले जाए आप, और इस तरह जो है ना ओपन 10 फीट है, 10 फुट ठीक है, 5-5 फीट दो पीस बनेंगे, पीछे की जाली आ जाएगी, पीछे जाली आ जाएगी बहुत चप्पल सीधी भी नहीं है। कौन सा अभी जो है ना, मैं ऊपर वाले रूम के पर्दे बनवा रही हूँ, मैंने कहा अगर वहाँ के अच्छे बन गए, बनकर अच्छे आ गए, पहले अभी एक ही पर्दा बनवा रही हूँ, फिर मैं इनको और ऑर्डर दूंगी, पहले की तरह रिस्क नहीं ले रही कि इकट्ठे दे दूँ सारे। सो वो जब बनकर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, फिलहाल दावत के लिए मैंने केले रेंट के वेलवेट वाले पर्दे लगा दिए थे, वो दिखाओ। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज लास। व्हाट इज योर नेम? मोहम्मद राजवान। व्हाट इज योर नेम? मोहम्मद चक्की मारी। किसने चक्की मारी है?
चलो इनकी लड़ाइयां नहीं खत्म होती। हम लोग पिंडी आए हुए थे, फ्रिज लेना था हमने, वकास ने एलईडी लेनी, वकास का कमरे में नहीं आता यार क्योंकि हमारे कमरे में एलईडी नहीं है, सारा दिन नीचे बैठे थे। रमजान खत्म हुए तो फिल्म वापस स्टार्ट हो गई वकास की, मैंने कहा खुदा के लिए कमरे के लिए एलईडी लिया था कि आप कमरे में नजर आओ मुझे। इसके अलावा अभी हम आए हुए हैं और जो हमारा हैक हुआ हुआ लैपटॉप है ना उसकी वो करवाने के लिए विंडो, वो अभी तक हैक हुआ हुआ है, अभी हमने उसके लिए कुछ भी डाउनलोड नहीं किया। ठंडा है भाई, खुश सबके लिए आए हैं ना बेटा, इतना सारा ही पिया थोड़ी चाहता है। एक पास गए हुए वो जो हमारा हैक शुदा लैपटॉप था ना उसकी विंडो करवाने के लिए, बच्चे पी रहे गन्ने का जूस, हमें जो मिला है नहीं गन्ने का जूस। तो अभी हम लोग आए हैं फन हाउस, फन क्या था लादिन, फन हाउस सिक्स रोड वाला जहाँ हम लोग रहते थे पहले, बच्चे ने इतना तंग किया था, यकीन कह रहे हैं 1000 रुपए के झूले ले चुके हैं, राजी नहीं हो रहे, कॉइन खत्म हो गए। जिस झूले में कॉइन चलने नहीं थे ना उसको डालने नहीं थे ना आपने, चल गए सब में चले, ज्यादा तो नहीं डाले, इसमें कितना डालेंगे, इसमें डाला अभी कॉइन, गाड़ी बैठ सकता दूसरा के मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मजा, आप लोगों के तो बड़े मजे आ रहे हैं, बलाज को तो मजे आ रहे हैं मजे, अब आज वाह बलाज खड़े होकर ट्रेन चला रहा है, ये अब आज भी खड़े होकर ट्रेन चला रहा है, गिरना नहीं, ये गिरने लगी थी अभी, आपका एरोप्लेन चलाऊं मैं, आपके लिए कॉइन लेके आती हूँ अभी, रुको अभी लेके आती हूँ कॉइन, रोना नहीं, आप तो कॉइन डाल दो मैं आपको और देती हूँ कॉइन, जाओ डाल दो कॉइन। इतना तंग किया गाड़ी में गर्मी से बुरा हाल, हम लोग एक घंटा से वकास का वेट कर रहे हैं, वकास विंडो कराने का अभी तक नहीं आया, फिर मैंने कहा चलो सामने फन सिटी है वहाँ हम वहाँ ले जाती हूँ आप लोगों को, अब यहाँ पे भी झूला झूलते झूलते वहाँ आधा घंटा हो गया अभी तक वापस नहीं आए, वो कितना इन्होंने हमें तंग किया, बंदा अकेले आ जाता है इसे काम करवाने के लिए। गाड़ी लेके निकली हूँ मैं 6:30 बजे, तंग आ गया कि तस्वीर का बाथरूम आना शुरू हो गया था, गाड़ी लेके मैं 6th रोड पहुँची हूँ, पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, तुमने मुझे देख के गाड़ी स्टार्ट की, मुझे पता है मुझे देख के वापस आ रहे हो, तेरा मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया, देखो इनको यही पता नहीं कितना 3 घंटे हो गए, बाल बाल पूछ ही गए, ये मुझे लग रहा है कहीं छुप कर देख रहे थे कि बीवी की हद हो जाए ना जलील होने की, उसके बाद जाऊंगा है ना, सच बताओ, सच बताओ ऐसा ही बिल्कुल है, वी ऑलरेडी ये हमारा टीवी, आप लोग हमें देखने नहीं देते ना, फिर हमने अपना मंगवा लिया है, अब हमें देखने दोगे? अच्छा जो LED हमने लिए ना वो लिए TCL की 55 इंच की, मुझे ना रूम्स के अंदर ना LED पसंद नहीं है बेसिकली, मुझे ना मैं टीवी नहीं देखती ना बहुत शौक से, ड्रामा तो मैं कोई भी नहीं देखती हूँ, कभी एक बार को नेटफ्लिक्स पे वकास देख रहे हैं मूवी तो देख लूँ, वैसे मैं नहीं देखती हूँ, तो फिर हमने ये वाला जो टीवी है ना वो टीवी लाउंज में लगवा लिया था क्योंकि मुझे पता था ईद पे सारे मेहमान आएंगे और चाचू जो है ना वो टीवी देखते हैं जब भी आते हैं, तो फिर लास्ट टाइम में जब वो आए थे तो नीचे टीवी था, फिर वो बोर हो रहे थे, फिर हमने वाला जो टीवी है ना चेक करके सारा कुछ प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ रिमोट वगैरह, फिर वकास ने खुद इसको इंस्टॉल कर लिया था क्योंकि वो जो है इंस्टॉलेशन के पता नहीं 2000 रुपये मांग रहे थे, वकास ने कहा 3 पेज लगाने में खुद लगा लेता हूँ, फिर मैंने और वकास ने खुद ही इसको असेंबल किया सारा, जिसके पीछे स्टैंड वगैरह लगता है फिक्स करने के लिए वो फिक्स किया, फिर हमसे बोर्ड नीचे हो गया था, टीवी ऊँचा हो गया था, फिर हमने दोबारा सारे पेज वेज खोल के दोबारा लगाया, मैंने साथ साथ ना इसके मैनुअल में से देख देख के बताया कि ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, अभी भी जो इसका इशू ये है कि जो इसका स्विच है ना वो वैसा नहीं आया जैसे LG का स्विच है, जैसे हमारा हाइसेंस के LED है उसका स्विच है, उनके स्विच ना मुड़े हुए हैं, अब ये वाला जब स्विच लगा रहे हैं तो TV ऐसे उठ रहा है क्योंकि इसका जो स्विच है ना वो ऐसा जैसे आम स्विच होता है ना लंबे से निकले हुए हैं, और LED जो आपने हैंग करनी होती है ना उसके स्विच आते हैं डिफरेंट, जिनके घर में LG की है ना LED उनको आइडिया होगा किसकी बात कर रही हूँ, तो अभी इंस्टॉल हो गई मैं आपको दिखाती हूँ, खुद घुल घुल के लगा दो LED, बट अभी स्विच का मसला ये है कि बोर्ड ज़्यादा नीचे करके लगा हुआ है और स्विच जो है वो ऐसे करके लग नहीं रहा, तो वो LED उठ रही है ये देखें बैग पे, सो अब ये यूसफ आएगा तो स्विच से करके देगा, और मैंने स्पेशल लगवाई थी कि चाचू होता है अब वो लोग आते हैं ना तो यहाँ बैठ कर TV देखते हैं, वो चाचू लास्ट टाइम आए थे तो बड़े बोर हो रहे थे,
वो क्लास के साथ घूम रहे थे कि अब क्या करूं। मेरा आज का व्लॉग है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी जो है ना इसके बाद मैं दावत वाला व्लॉग एडिट करती हूँ। अभी अपने मोबाइल को एम्प्टी करती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, सारे व्लॉग एडिट करती हूँ। दावत वाले व्लॉग में मैंने कैसे सफाई की थी, बेडशीट को संभाली थी, पर्दे को गलत, खाना क्या बनाया था, दावत में कौन कौन आया था, क्या रिव्यूज मिले खाने के, सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। और जो रील्स बनाई हमने फनी फनी सी, वो दिखाऊंगी बिहाइंड द सीन्स पे क्या कर रहे थे हम लोग। ठीक है, सो ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कॉमेंट करके जरूर बताना कि व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।